पाप एवं अधर्म के नाश का समय अब निकट है। तया सतर्क हूं। ऋषिवर अगस्त को दिए हुए वचन एवं धर्मराज जी के सुझाव के अनुसार मुझे बाण का लक्ष्य परिवर्तन करना है। स्वामी का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। देवी सीता को यह सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीष लेकर ही रहूंगी मैं। कितने भी कष्ट सहूंगी मैं, परंतु अपने स्वामी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। देवी मंदोदरी, उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? नारायण नारायण। यदि प्रभु के मृत्यु बाण से प्रहार करने के पूर्व ही मंदोदरी ने देवी सीता को सौभाग्य सामग्री सौंप कर उनसे सौभाग्यवती भव का आशीष प्राप्त कर लिया तो मृत्यु बाण भी प्रभावहीन हो जाएगा, रावण की मृत्यु पुनः टल जाएगी। ये बाण मेरी मृत्यु के बाण के सदृश कैसे प्रतीत हो रहा है, जिसे कुछ ही समय पूर्व मैं स्वयं अपने राजप्रसाद में देख कर आया हूं। मैंने स्वयं अपने हाथों से अभी सुरक्षित किया था, वो मेरी मृत्यु का बाण इस वनवासी के हाथों में अवश्य ही कोई छल है। मुझे भ्रमित कर भयभीत करना चाहता है ये वनवासी।
अनेक कष्ट उठाकर भी आपने पूर्ण निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। मेरे हृदय में आपके लिए अपार श्रद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने सदैव स्वामी के प्रत्येक अधर्म का विरोध किया है। देवी मंदोदरी, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं। मुझे ज्ञात है आप पूर्णतः निर्दोष हैं। देवी, एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है। आज मैं एक अभागन पतिव्रता अपनी व्यथा दूर करने के लिए आपसे एक याचना करने आई हूँ। सच्चे हृदय से आपको कुछ देने और आपसे कुछ लेने आई हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मेरी याचना स्वीकार करना आपके लिए असंभव है। रावण हूँ मैं, किसी भी छल और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। इससे पूर्व ये वनवासी कोई चतुराई दिखाए, उसके पूर्व ही मैं अपने सबसे घातक आसुरी अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे बाण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते वनवासी, और ये तुम्हारा मिथ्या बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मृत्यु इसके समक्ष खड़ी है, परंतु अहंकार से ढके इसके नेत्र इसे देख नहीं पा रहे। प्रतीत होता है अब ये आवरण प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु के उपरांत ही हटेगा। देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सुहागन होने के नाते आप ये सौभाग्य सामग्री अस्वीकार नहीं करेंगी, और रीति अनुसार आपको मुझे सदा सुहागन रहने का आशीष देना ही होगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया देवी मंदोदरी ने मुझे। मैं एक पतिव्रता सुहागन सौभाग्य सामग्री स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में मेरे स्वामी मंदोदरी के पति से ही युद्ध रत हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण भी नहीं कर सकती मैं। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। से धर्म का नाश करने वाले रावण, अब तुम्हारे सर्वनाश का समय आ गया। प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे।
सुहाग के प्रति मेरी सिंदूरदानी गिर गई। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। प्रभु राम के वाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। यही उचित समय है। नहीं बिखरने दूंगी सिंदूरदानी में संचित सिंदूर को, नहीं मिटने दूंगी अपने सुहाग की निशानी को मैं। हनुमान जी आप क्या करने जा रहे हैं? वो इस बाढ़ को उचित दिशा देने जा रहे हैं। यदि हनुमान ने इस बाण को स्पर्श किया तो वो रावण वध में सहभागी बन जाएगी, जिससे प्रभु के एकाकी लड़ने का वचन खंडित हो जाएगा। बिना इसका स्पर्श किए इसके लक्ष्य में परिवर्तन करना होगा मुझे। बुद्ध नीति में बंधे रघुराई, ना भी पर ना बाण चलाई, मृत्यु बाण श्री राम ने साधी, अंजनी सुत उड़े बाण के पाछी, हनुमत युक्ति लगाई त्वरिता, बिन स्पर्श दिशा दी तीरा, तीर दशानन नाभि जय श्री राम। वचन अगस्त कभी किए पूरो, गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम। हनुमान जी सफल हो गए, बिना बाण को छुए ही उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। मेरी नाभि स्थल में स्थित अमृत, मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। We'll be right back.
तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण। अंत होगा तुम्हारा रावण। जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा। रावण सर्वनाश होगा। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का। अंत होगा अधर्म का। अंत होगा तुम्हारा रावण। रावण तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अंत होगा तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण दुष्कृत्य का प्रतिशोध उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। भी सुरक्षित नहीं रहेगा। Thank you.
व्यक्ति कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पाप कर्म और अधर्म उसके पराजय का कारण बनता है।